दोस्तों नमस्कार। हार्वेस्टिंग का सुख अगर मिलता है तो ले लेना चाहिए। तो इस संदर्भ में हमारा आज फिर एक हार्वेस्टिंग का मौका मिल रहा है। तो आप देखिए, आज बैंगन की हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। तो ये देखिए हमारा कितना अच्छा बैंगन है। ये बरसात के टाइम सर न जाए इसलिए मैं काट ले रही हूँ, अदरवाइज मुझे लग रहा है ये और बड़ा होगा। खराब हो गया, कैसे जाना पड़ेगा। तो ये देखिए कितना अच्छा स्वस्थ बैंगन है। तो ये देखो आज बैंगन की हार्वेस्टिंग है और देखिए हम कितनी हार्वेस्टिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं। ऐसे देखो बहुत अच्छा फला हुआ है चारों तरफ। ये भी फला हुआ है, इधर से चारों तरफ फला हुआ है। ये देखिए कितना अच्छा छोटा छोटा फला हुआ है आगे के लिए। देखिए देखिए ये है, देखो कितना अच्छा फला है। तो ये हम हार्वेस्ट कर ले रहे हैं और एक इधर देखो स्वस्थ बैंगन फला हुआ है, तो इसकी भी हार्वेस्टिंग हो जाएगी। ये देखो और फिर उधर है इधर भी है, तो इसकी भी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। तो आजकल बैंगन छोड़ना ठीक नहीं है, पानी लग जाएगा ना तो सर जाएगा, ये और बड़ा होगा। लेकिन ये छोटे से बाल्टी है इसलिए ये क्या पे है। तो और आगे देखो ये कितना अच्छा छोटा छोटा कितना सुंदर लगता है जब बेबी दिखता है। कोई भी बेबी हो तो ये बेबी बैंगन कितना प्यारा लग रहा है। बाकी ये सब है और इसमें था एक और इधर है। ये देखिए आज की सब्जी तो हम लोग के लिए बहुत ही है, क्योंकि हम लोग तीन आदमी हैं तो बच्चे आजकल के इतना ये सब्जी तो खाना पसंद नहीं करते हैं। फिर भी मैं बच्चों को खिलाती हूँ कि भाई ये छत का ऑर्गेनिक सब्जी है तो खाओ। तो ये देखिए ये है और फिर और ये बैंगन है, तो थोड़ा छोटा है लेकिन हम काट ले रहे हैं क्योंकि ये पुराना पौधा है तो ये बैंगन ख़राब हो जाए इससे पहले हम इसको काट लेते हैं। ऊपर इधर है तो देखो दोस्तों काफ़ी हो गया ना। और भिंडी भी है। उधर देखो इतना अच्छा भिंडी हुआ है, ये भी इजी बड़ा हो गया है काटने लायक। तो ये देखो भिंडी है तो इसको भी हम हार्वेस्ट कर ले रहे हैं। अभी भिंडी पूरा एकदम इतना नहीं फल रहा है कि पूरा आदमी के लिए बन जाए, जब सारे पौधे फलेंगे तब जाके ये होगा। और यहाँ पे भी देखो ये सारे फल रहे हैं भिंडी। ये है छोटा है लेकिन काटो। तो ये सारे भिंडी फल रहे हैं, अब फल रहे हैं तो सारे फलने लगेंगे। तो ये हमें भिंडी भी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि बाज़ार के भिंडी में स्वाद ही नहीं आता है। जो इसका चस्का लग गया कि भैया अपने उसका हो टेरिस का तो इसकी बात ही कुछ और है। और कुंदरू और करेला भी हुआ है लेकिन आज हम नहीं हार्वेस्ट कर रहे। देखिए कुंदरू भी अच्छा खासा हो रहा है, बहुत ही प्यारा कुंदरू हो रहा है, मेरे बहुत ही खुशी हुई। करेला भी हुआ है, ये करेला भी हार्वेस्ट करने रखे आए थे। ये करेला है तो ये करेला का भी हार्वेस्टिंग हो जाए क्योंकि ये ख़राब हो जाएगा इससे पहले। कम से कम मैं तो खा ही लूँगी, इस चक्कर में दो तीन करेला ख़राब हो गया। तो ये करेला है और कुंदरू अच्छा हो रहा है और मुझे उम्मीद है कि कुंदरू बहुत अच्छा होगा। ये देखिए कुंदरू कितना अच्छा हो रहा है, चारों तरफ फैल गया है। और ये भी ये अभी ये क्या है, एक खरबूजा था वो मैंने दो फले थे। ये देखो कुंदरू तो मैंने तोड़े नहीं और अंजीर भी पक गया था। देखो सारी भिंडी अभी फल नहीं रहे हैं, भिंडी लगाए मैंने बहुत लगाए थे। तो भिंडी ये देखो ये अब फलेगा, ये भिंडी अब फलेगा। हाँ, भिंडी उधर भी है तो और भिंडी आ रहा है। और मिर्ची पे तो ले गई थी बहुत सारे तोड़ के, तो थोड़ी मिर्ची भी हार्वेस्ट कर ले रहे हैं। ये है तो मिर्ची, देखिए इधर भी भिंडी है मेरे। देखो भिंडी अच्छा खासा फल रहा है, बस थोड़े दिनों की बात है मुझे लगता है कि भिंडी मेरा अच्छा देने लगेगा। तो मिर्ची है थोड़ा बहुत मिर्ची, क्योंकि मिर्ची हमने
अभी हार्वेस्ट करके बहुत सारा ले गई थी, बहुत मज़ा आया मिर्ची हार्वेस्ट करने में। और बहुत बड़ा बड़ा हो गया था मिर्ची, काफ़ी बड़ा बड़ा मिर्ची निकला। तो ये देखो इसमें है, ये देखो मिर्ची, और ये देखो ये है, इसमें से बहुत बड़ी बड़ी मिर्ची ले गई थी। ये देखो काफ़ी अच्छी मिर्ची है, तो थोड़ी मिर्ची भी हो गई हार्वेस्टिंग। और अभी हार्वेस्ट करने के लिए तो है बहुत सारा चीज़, लेकिन अभी ज़रूरत के हिसाब से ही लेंगे। तो ये मिर्ची भी हो गई। इस तरीके से अगर मेरा अच्छा होने देने लगे तो मुझे लगता है हमें, वो देखिए चौलाई के साग भी हो रहा है, तो हमें बाज़ार से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बाज़ार की थोड़ी बहुत ही सब्ज़ी लेनी पड़ेगी। अगर ये मुझे लगता है अगर इतनी छोटी, अगर देखो ये लौंगिया मिर्ची देखो ऊपर की तरफ फल रहा है, इसका मुँह ऊपर की तरफ, ये काफ़ी तीखा होता है, इसको लौंगिया मिर्ची कहते हैं, ऊपर की तरफ मुँह है, सूरजमुखी भी बोलते हैं, तो सूरज की तरफ ऊपर मुँह करके फलता है। और ये देखो, और ये टमाटर हो रहा है धीरे धीरे, टमाटर भी चाहिए। अभी टमाटर मेरा नहीं लगाई थी मैं, इस बार अजीब सा मौसम हो गया था, एकदम से गर्मी आई और एकदम से बरसात आई, तो पौधे लगने में बहुत दिक्कत हुई, मतलब सारे भिंडी गल गए, नहीं हो पाया। तो अब ये भिंडी दे रहा है, तो अगर सारे भिंडी फलने लगे, सारे बैंगन फलने लगे, तो मुझे बहुत ही अच्छी हार्वेस्टिंग की मौका मिलेगी। तो ये देखिए ये भी बैंगन है, अभी फल नहीं रहा है, ये मिर्ची है, तो भी इसमें भी फूल आ गए हैं। तो ये भिंडी चारों तरफ, देखिए चारों तरफ भिंडी है, ये देखिए ये सरसों का साग है, ये चौलाई है। तो ये एक चीज़ दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि